आज समझेंगे कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम, सॉफ्टवेयर और टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सिस्टम वर्क, पीपल फेल। अगर आपको बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जाना है तो आपको सिस्टम, सॉफ्टवेयर, टूल और टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज लेना होगा। और आज का टॉपिक ही हमारा इससे रिलेटेड है कि आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जाने के लिए कौन कौन से टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये सभी टूल्स आपको स्टार्टिंग में परचेज नहीं करना है, पहले अपना कोर्स स्ट्रक्चर रेडी करें, कोर्स डिजाइन करें, कोर्स प्रिपेयर करें और कस्टमर की जर्नी को सेट करें। उसके बाद भी आपको सारे टूल्स और सिस्टम को नहीं खरीदना है, परचेज नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज आपको ट्रायल वर्जन देती है। इसका मीन्स ये हुआ, हर कंपनी अपने सिस्टम को कुछ दिन, वो आपको 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक हो सकता है, फ्री ट्रायल देते हैं। तो आप पहले उनकी फ्री ट्रायल को यूज करें, बिजनेस स्टार्ट करें, वो टूल्स आपके लिए कितने यूजफुल हैं ये पहले करके देखें, यूज करके देखें, फिर आपको लगे कि ये टूल मेरे लिए एसेंशियल है तब आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, राइट। तो पहले आपको अपना फनल रेडी करना है और सारे कोर्स स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको टूल्स एंड सिस्टम पे जाना है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अबाउट 11 टूल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट। हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाने के लिए अबाउट 11 टूल्स आपको लगने वाले हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा कि कौन कौन से टूल्स मार्केट में आए हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद बहुत बेहतर टूल्स भी मार्केट में आ जाए। साथ में अगर कोई टूल्स ओपन सोर्स है, फ्री है और वो अच्छा है, इफेक्टिव है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। यस, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको उन टूल्स के बारे में बताऊंगा जो टूल्स को अभी करंट में बहुत लोग यूज में ले रहे हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे टूल्स अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। हाँ, इनमें से कुछ टूल्स कॉस्टली हो सकते हैं, तो उनका क्या ऑप्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और आप भी अपने लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि हमेशा एंटरप्रेन्योर इसे खर्चा नहीं मानता, इन्वेस्टमेंट मानता है, लेकिन एक एम्प्लॉई माइंडसेट के पर्सन इसे खर्चा मानेंगे, जबकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जो आपके बिजनेस को स्मूथली और ऑटो पायलट मोड पर ले जाने में हेल्प करेगा। इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम करना है। यस, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिना ऑफिस और बिना स्टाफ के टेक्नोलॉजी और टूल्स से मैक्सिमम वर्क हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा टूल्स और सिस्टम पर। वेबसाइट सिस्टम फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कि आपको वेबसाइट्स को डेवलप करवाना होता है, आपको वेबसाइट्स बनानी होती है और क्यों जरूरी है ये आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग केवल बात कर रहे हैं सिस्टम और टूल्स की, कि आपको वेबसाइट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए एंड एक होस्टिंग होना चाहिए। डोमेन ये वेबसाइट का नेम होता है, आप जानते हैं, जैसे google.com, amazon.com, abacusgyan.com, ये जो नेम है इसे ही डोमेन की बोलते हैं, राइट। तो आपको एक डोमेन परचेस करना होता है। अब डोमेन परचेस करने के लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंडिया में गोडेडी बहुत फेमस है, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आता है, तो गोडेडी से आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। नेमचीप है, राइट। इस प्रकार के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डोमेन को परचेस कर सकते हैं और ये अबाउट आपको 200 रुपीज़ में भी मिल जाता है। स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप परचेस करते हैं तो सेकेंड डोमेन, नेक्स्ट डोमेन आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, राइट। तो आपको डोमेन परचेस करना होता है जो गोडेडी या नेमचीप किसी से भी आप परचेस कर सकते हैं। सेकेंड, आपको एक होस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जहां आपकी साइट को अपलोड किया जाएगा, उसे हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। तो आपको होस्टिंग भी परचेस करना है,
अब गोडेडी से भी आप होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होस्टिंग ब्लू होस्ट और WPX होस्टिंग अच्छा हुआ है। आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं होस्टिंग को, राइट? तो होस्टिंग एक स्पेस होगा जहाँ आपकी वेबसाइट अपलोड होती है, और एक डोमेन नेम जो आपकी वेबसाइट का नाम है, जिसके बेस पर आपकी वेबसाइट को सर्च किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है और ब्राउज किया जा सकता है, राइट? इसके साथ साथ आपको गूगल ड्राइव का भी एक स्पेस चाहिए, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखना है। मैं काफ़ी सारे टूल्स और सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको परचेज कहाँ से करना है उसके लिए मैं आपको एक्सेल की सीट प्रोवाइड करूँगा, राइट? उस सीट्स के अंदर आपको कंप्लीट लिंक्स होंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्ट है आपको इंफॉर्मेशन देना कि कहाँ कहाँ से आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं सर किससे परचेज करें, जैसे डोमेन परचेज करना है तो गोडेडी बेस्ट रहेगा या नेमचीप बेस्ट रहेगा, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक फाइल दूंगा, उस फाइल में कंप्लीट लिंक होंगी, उन लिंक्स पर आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, राइट? तो अभी ये वीडियोस तो लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे, क्योंकि अभी आपकी लाइव सेशन चल रहा है, इसके बाद ये वीडियोस को मैं फ्यूचर के लिए भी यूज करूंगा, राइट? तो अभी मैं केवल वही नेम बता रहा हूँ जो अभी थोड़े से फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, अपने स्टूडेंट्स को कोर्स कहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, बच्चे कहाँ से लर्न करेंगे। एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको जहाँ पर आप अपने कोर्स को अपलोड करोगे, वहीं से लोग परचेज करेंगे और लर्निंग भी करेंगे। तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और इसे बहुत कंपनीज अवेलेबल करा रही हैं, उनमें से हम लोग एक दो कंपनीज का देख लेते हैं। एक है टीचेबल, राइट? आप टीचेबल कंपनी पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने कोर्स अपलोड कर सकते हो, और वहीं से स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा सकते हो कोर्सेज लर्निंग के लिए, राइट? और इसके अलावा आप अपना खुद का भी LMS डेवलप करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी स्टार्टिंग में एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अपना खुद का LMS सॉफ्टवेयर डेवलप कराएं, क्योंकि उस केस में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। और जो टीचेबल है या स्मार्ट ब्रेन स्कूल्स है, इनकी साइट्स पर बहुत फैसिलिटीज़ है, इतना फैसिलिटीज के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप इनकी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट? लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों के आपस में जोड़े रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन कंपलसरी है, राइट? तो कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा। एक चैट बॉक्स का भी जरूरी होता है आजकल वेबसाइट्स पर, कोई भी आपकी साइट्स पर जाए तो आपने देखा होगा राइट साइड में चैट बॉक्स स्टार्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहां से आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई भी आता है, तो आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। ये कस्टमर को आपकी साइट पर ज्यादा एंगेज करता है, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? और ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको मेल सेंड करना है, मेल की लिस्ट तैयार करनी है, एक डेटाबेस भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए कन्वर्ट किट है, गेट रेस्पॉन्स है, और भी काफी सारी कंपनीज हैं, राइट, जो आपको ईमेल मार्केटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल कराती है। तो लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आपके पास लीड्स आते हैं तो रेगुलर उन्हें फॉलो करना है, तो मेल सेंड करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके कोर्स किसी ने परचेस कर भी लिया है तो उन्हें अपसेल करने के लिए, नेक्स्ट कोर्स सेल करने के लिए भी आपको रेगुलर उन्हें मेल भेजना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ेगा। उसके लिए कन्वर्ट किट और गेट रेस्पॉन्स दो कंपनीज है, ये अच्छी कंपनीज है और अभी फेमस भी है, बहुत अच्छा इनका रेस्पॉन्स भी है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में कुछ अपडेट होता है तो आप मेरी वो एक्सेल की सीट जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बार बार शूट नहीं होते हैं, इसलिए जो भी अपडेट होगा, कुछ नेस्टा कंपनी चाहिए तो सीट को जरूर देखिएगा। और चैट बॉक्स के लिए भी कई कंपनी अवेलेबल है, जैसे मैनी चैट है, कलेक्ट चैट है, आप किसी भी कंपनी का चैट बोर्ड परचेज कर सकते हैं ताकि आप कम्युनिकेशन बनाए रख सके, राइट? नेक्स्ट है फनल बिल्डिंग सिस्टम, राइट? आपको पता है कि फनल कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप फनल नहीं बनाएंगे तो कैसे आप कस्टमर को प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे इंगेज करेंगे, कैसे लीड कैप्चर करेंगे, इसलिए फनल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और फनल के लिए काफी सारी कंपनीज है जो फनल की फैसिलिटीज देती है, जैसे कन्वर्ट किट है, आप इसके अंदर भी फनल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक फनल के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है क्लिक फनल, जो आज बहुत फेमस है, और इसमें रेडीमेड बहुत सारे आप लोगों को टेम्पलेट तैयार मिलते हैं, बहुत फैसिलिटीज है। इसके ऊपर तो एक अलग ही वीडियो बनेगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्लिक फनल का यूज करके आप
कैसे अपने फनल लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ऑप्ट इन पेज बना सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में भी आप डिज़ाइन करा सकते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं आप, वेबसाइट डेवलप कराते हैं, ऐसे ही आप फनल्स भी, अपने लैंडिंग पेज भी आप इसमें बनवा सकते हैं वर्डप्रेस में भी। लेकिन आपके पास अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आपको बहुत सारी जर्नी क्रिएट करनी है, या आपको एक से ज़्यादा लैंडिंग पेज चाहिए, तो क्लिक फनल भी बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 से ज़्यादा फनल्स क्रिएट करने का मौका मिलता है, और अबाउट 100 पेज तक भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कैसे फनल डिजाइन होगा, लेकिन अभी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि आपको सभी सिस्टम टूल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से टूल चाहिए। तो यहाँ पर मैं टूल भी बता रहा हूँ और उसको कौन कंपनी अवेलेबल करा रही है ये भी हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो वेबसाइट LMS हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, फनल सिस्टम। नेक्स्ट है वेबिनार्स, लोगों को अपने साथ एंगेज करने के लिए, लीड को मैग्नेट करने के लिए आपको रेगुलर वेबिनार्स करने होंगे, राइट। और आज के टाइम में वेबिनार बहुत सक्सेसफुल भी है, तो आपको रेगुलर वेबिनार करने होंगे, तो उसके लिए एक सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहेगा वेबिनार के लिए। और वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप देख सकते हैं, वेबिनार में आपको डेम्यू है, जूम है, गूगल मीट है, आप जानते हैं, इन सब का यूज कर सकते हो वेबिनार को करने के लिए, राइट। और लाइव वेबिनार्स के लिए और भी ऑप्शंस हैं, जैसे वेबिनार जेम है, यहाँ पर आप लाइव वेबिनार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ऑटोमेट वेबिनार, ऑटोमेट वेबिनार का इन द सेंस कि आप वेबिनार को वीडियो की तरह शूट करेंगे, यूट्यूब की तरह वीडियो शूट करेंगे, अपलोड कर देंगे, टाइम डेट आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, तो वो वेबिनार बिल्कुल ऐसा चलेगा जैसे ओरिजिनल वेबिनार है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आपने एड्स किया वेबिनार के लिए, लोगों को इनवाइट किया, लेकिन बाय चांस केवल 5 या 10 ही लोग आपके वेबिनार पे आए, और उस कंडीशन में अगर आप 1 घंटे 2 घंटे उनका वेबिनार लोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा आप वेबिनार को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें केवल आपको वेबिनार को शूट करना है, वीडियो शूट करना है, और उन्हें आप रन कर सकते हैं। और ये भी प्रॉब्लम्स भी आती है, अगर आपका वेबिनार संडे को है और आपने मंडे या ट्यूसडे को ऐड चलाया, अब लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, लेकिन 4-5 डेज के बाद आपका वेबिनार होने वाला है, आप कितना भी उन्हें मेल भेजें सभी लोग नहीं आ पाते। यस, काफ़ी लोगों को कुछ और काम निकल जाता है, माइंड से निकल जाते हैं, लोग कभी कभी मेल बॉक्स को भी चेक नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको अगर मैक्सिमम लोगों को अपने वेबिनार पे लाना है, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, तो उस केस में आप वेबिनार को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। यस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन करेगा उसको तुरंत ही वेबिनार देखने का मौका मिलेगा, राइट। तो इस केस में आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देता है। कम्युनिटी सिस्टम, राइट, मैंने आपको पहले भी कहा था, लोगों को लाना और उन्हें जोड़े रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इन लोगों को, कि आप टेलीग्राम पर ग्रुप्स बना सकते हैं ताकि आप उनकी कम्युनिटी को उनको जोड़े रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप फेसबुक ग्रुप्स बना सकते हैं, एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी है, माइटी नेटवर्क, राइट। और ये पेड वर्जन है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आप टेलीग्राम और एफबी ग्रुप का ही यूज करें, राइट। जब आपको लगे कि आपके मेंबर्स 5000 या 10000 से ज़्यादा हो गए हैं आपके ग्रुप में, तब आप पेड वर्जन पे भी जा सकते हैं, राइट। तो लोगों को ग्रुप में लाना, उनको रेगुलर एंगेज रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लिंक ट्रैकिंग सिस्टम, आपकी लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, अगर आपने एफिलिएट लिंक बनाया है तो कितने लोगों ने परचेज किया है, ये सारा आप सिस्टम चेक कर सकते हो लिंक ट्रैकिंग सिस्टम पर। और उसके लिए clickmagic.com इस वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पेमेंट सिस्टम, आप अपनी वेबसाइट पर, अपने LMS पर जब भी कोड सेल करेंगे तो लोग पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, एक पेमेंट सिस्टम चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको इंस्टामोजो है, पेपल है, रोजर पे है, मिंट है, इन सब का यूज कर सकते हो, आप पेमेंट ले सकते हो, राइट। तो ये मीडिएटर का काम करते हैं और कस्टमर से पेमेंट लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आप कैसे सेटअप करोगे, ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे हमारे गोल्ड प्लान में। नेक्स्ट है ऑटोमेट सिस्टम, अब आपको जितने भी सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं, अगर आप चाहते हो सबको इंटीग्रेट करना,
फनल्स में लीड्स आए, फनल से वेबिनार्स पे जाए, आप सब कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर टूल को एक दूसरे से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, राइट? तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जेपीआर, राइट? तो जेपीआर सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू हम लोग हमारे सिस्टम को, हमारे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। आपको अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग करना है, राइट? तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप जानते हैं बहुत सॉफ्टवेयर है, इवन आप मोबाइल पे भी वीडियो शूट करते हैं, मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अब आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का ही यूज़ करना है, क्योंकि अब आपको थोड़े से प्रोफेशनल वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए OBS स्टूडियो बहुत फेमस है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री है, ओपन सोर्स है, राइट? और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैमटेसिया है, आप इनके थ्रू भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है एडिटर। आप अपने वीडियोस को एडिट कैसे करेंगे, और उसके लिए ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिल्मोरा है, ये पेड वर्जन है, लेकिन प्रीमियम है, अच्छे हैं, राइट? और अगर आपको अपनी इमेज फोटोज को एडिट करना है तो फोटोस्केप एक्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इमेज एडिट और वीडियो एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, कैनवा। इतना ज़बरदस्त है कि आपको डिज़ाइन करना बहुत आसान बना दिया। आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल्स हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटीज़ बहुत अच्छे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप लोग जानते हैं कैनवा का भी आप यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टूल समझ में आए होंगे, और ये मैंने अबाउट 11 टूल्स का लिस्ट बनाया है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बारे में हम टाइम टू टाइम देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट टूल्स ये हैं जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक बार फास्ट रिकैप करते हैं, सभी टूल्स के बारे में देखते हैं, राइट? एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, राइट? वेबसाइट बनाना ही पड़ेगा, और वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत है। अपने फाइल्स को आपको अपलोड करने के लिए, शेयर करने के लिए गूगल ड्राइव का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इसमें आपको पता है कि 15 GB तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट कहाँ जाकर आपके कोर्सेज को लर्न करेंगे, कहाँ से आप टीच करेंगे, लाइव क्लास लेना हो या अपने रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करना हो तो कहाँ से करेंगे, उसके लिए LMS की रिक्वायरमेंट होती है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ आपको मेल सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, चैट बॉक्स के लिए भी आपको कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने रिकमेंड किए हैं। मेलिंग के लिए कन्वर्ट किट है, गेट रेस्पॉन्स है, और चैट बॉक्स के लिए मैनी चैट है, कलेक्ट चैट है, राइट? इनका यूज़ कर सकते हैं। और फनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फनल का, क्योंकि जो भी आपकी ऐड पर क्लिक करेगा वो सबसे पहले आपके लैंडिंग पेज फनल पे ही जाएंगे, और इसलिए ये अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके गोल और मिशन को और अच्छे से क्लेरिफाई करें, इसके लिए आपका लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टमेटिक आपका फनल होना ज़रूरी है। उसके लिए क्लिक फनल्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं। वर्डप्रेस में भी आप डिज़ाइन करा सकते हैं। आपको वेबिनार करना है तो वेबिनार के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनकी कम्युनिटी सोसाइटी बनाए रखने के लिए आपको टेलीग्राम, FB ग्रुप, माइटी ग्रुप, इन सब का यूज कर सकते हैं। आपके लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, उसके लिए क्लिक मैजिक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट का। और आपको पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, अदर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने के लिए आपको जेपीआर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, और एडिटिंग के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इनकी लिस्ट भी मैं PDF के फॉर्मेट में अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें और अपनी लिस्ट बना लें कि ये सॉफ्टवेयर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। हालांकि हम लोग सभी सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग में ट्रायल वर्जन के तौर पे ही यूज करेंगे, पर उसके बाद एक बार हैबिट में आ जाए, ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, कुछ लीड जनरेट करके भी आपको दे दे, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। पहले आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर बना लें, कोर्स डिज़ाइन कर लें, सारे लेक्चर तैयार कर लें, अपना पूरा माइंडसेट कर लें, पूरे फनल डिज़ाइन कर लें कि कैसे कैसे कितने कितने प्राइस में बेचना है, एवरीथिंग। उसके बाद जिस समय आपको सेल पे जाना है उस समय ही सारा सिस्टम को हम लोग सेट करेंगे, राइट? लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं
जो हमको पहले भी तैयार करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट से पहले ही तैयार करना पड़ेगा, जैसे आपके वेबसाइट्स हैं एवरीथिंग, तो इनको कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बाय कैसे करना है, पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही है वो आप कमेंट में जरूर लिखें, राइट। आज आपको इस वीडियो से नया क्या सीखने को मिला है। ओके।